हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद करिमा और मैं हूं आपके साथ करिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद करिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक और शेयर अब तक नहीं किया है तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएगा ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपसे आने वाला वीडियो मिस हो सकता है। और साथ ही आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एंकर करिमा वाजपेयी के नाम से मेरा अकाउंट है, जहां पर आपको बाकी की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। आज के वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर आज किस टॉपिक पर आपको जानकारी मिलने वाली है। देखिए, आप लोग ये लगातार सवाल कर रहे थे कि डिबेट कैसे होती है, जिस पर मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि प्रॉपर डिबेट में किस तरह से सेटअप तैयार किया जाता है। लेकिन वो सब तब मुमकिन होगा जब मैं स्टूडियो में प्रेजेंट होंगी और वहां पर आपको प्रॉपर दिखाऊंगी जब डिबेट हो रही होगी। लेकिन बहुत सारे लोग साथ साथ ये भी पूछ रहे थे कि डिबेट में जो गेस्ट आते हैं क्या वो पैसे लेते हैं या फिर वो फ्री में आते हैं, आखिर वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं न्यूज चैनल तक, इस सब को लेकर पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, डिबेट के लिए जो गेस्ट आते हैं वो बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि पैसे लेते हैं या नहीं, तो दोनों ही है दरअसल। कुछ गेस्ट पैसा लेते हैं और कुछ गेस्ट पैसा नहीं लेते। अब जैसे कोई पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, अब पॉलिटिकल डिबेट के लिए हमें गेस्ट की जरूरत है, हर पार्टी के नेताओं की जरूरत है ताकि अपना पक्ष रख सके। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी बड़े गेस्ट जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो होते हैं पार्टीज के, उनको जोड़ते हैं तो वो हमसे कोई भी पैसा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें उनकी पार्टी पैसा देती है। उन्हें प्रवक्ता इसीलिए बनाया गया है ताकि आप मीडिया में अपना पक्ष रख सकें, अपनी पार्टी की बात मीडिया के सामने रख सके, तो वो किसी भी प्रकार का कोई पैसा हमसे नहीं लेते, न्यूज चैनल से कोई पैसा नहीं लेते। वहीं अगर छोटे, जो हम कहते हैं ना लोकल एरिया के नेता जो होते हैं, छोटे नेता या फिर जो पार्टी के मतलब मेंबर्स होते हैं, कह सकते हैं अध्यक्ष टाइप के, मतलब छोटे लेवल के जो नेता होते हैं, ये जो होते हैं क्षेत्र के अध्यक्ष, ना कि पार्टी के अध्यक्ष, ये लोग फ्री में आते हैं हमारे पास, ये भी हमसे पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन अब जैसे हमने कोई प्रोग्राम शुरू किया जो कि हेल्थ का प्रोग्राम है, यानी कि मतलब हेल्थ से जुड़ा हुआ है, अब हेल्थ के लिए हमें हर वीकली प्रोग्राम है, सपोज हमें हर सैटरडे को एक डॉक्टर चाहिए होगा, जो डॉक्टर आएगा हम हर सैटरडे को एक मुद्दा उठाएंगे, कोई भी टॉपिक हेल्थ से जुड़ा हुआ, और उस पर हम प्रॉपर एक शो करेंगे। अब जैसे अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से बीमारी चल रही है आप सबको पता ही है, तो उस सिचुएशन में तो लोग अपना पक्ष ऐसे भी रख देते, पैसे नहीं लेते। लेकिन अगर हमने प्रॉपर एक प्रोग्राम बना रखा है, प्रॉपर हमारा एक टाइमिंग है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक का प्रोग्राम, जब नॉर्मल डेज की हम बात कर रहे होता था, तो कुछ डॉक्टर्स जैसे बहुत बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे पैसा भी ले सकते हैं, या फिर जैसे सेलिब्रिटीज जो होते हैं ये अगर हमारे साथ जुड़ते हैं बड़े बड़े लेवल के, तो ये हमसे पैसा ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे इस टाइम आप देख रहे होंगे हर चैनल पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़ रहे हैं, लाइव प्रोग्राम होता है, क्योंकि चैनल वालों के पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, वो आपको क्या दिखाएं, तो एंटरटेन करने के लिए आपको वो बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, तो अभी जो सेलिब्रिटीज जुड़ रहे हैं ये पैसा नहीं लेते। जैसे पंडित जी का शो हो रहा है, पंडित जी के शो में कई बार हम रैंडमली कोई त्यौहार है फोनों पर पंडित जी को ले लेंगे, मुहूर्त पूछ देंगे, तो वो हमसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारा डेली का शो, जैसे आप आजकल पर भी देखते होंगे सुबह राशिफल करके कोई प्रोग्राम आता है जहां पर पंडित जी आते हैं, प्रॉपर हर राशि का बताते हैं क्या कुछ उसका राशिफल है और सब कुछ पूरी जानकारी देते हैं, तो वो पैसा लेते हैं, क्योंकि उन्हें आना ही आना है, उनके ऊपर ये प्रोग्राम बेस्ड है। अगर बेस्ड नहीं हो, आप रैंडमली आप किसी चीज पर किसी का व्यू ले रहे हो, वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपने किसी को लेकर एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर लिया है तो वो आपसे पैसे लेगा और पैसे लेकर ही आएगा। अब ये गेस्ट आपके ऑफिस तक आते कैसे हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे। देखिए, अगर हम किसी को बुलाना चाहते हैं, कोई अगर एग्री हो जाता है अपने मतलब व्हीकल से आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन जो बड़े गेस्ट होते हैं उन्हें हम लेने भेजते हैं, हमारी कैब जाती है, जो हमारे ऑफिस की होती है चैनल की कैब होती है, वो उन्हें लेकर आती है और वापस उन्हें छोड़ने भी जाती है। इनके चाय नाश्ते का भी पूरा इंतजाम ऑफिस में किया जाता है, क्योंकि आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप उसे वेलकम तो करोगे, तो इस वजह से सारी जिम्मेदारी चैनल की होती है और इसी तरह से डिसाइड होता है कि किसे पैसे लेना है किसे पैसे नहीं देने हैं। देखिए, जैसे इत्तेफाक अभी जो बीमारी चल रही है इसको लेकर लगातार डॉक्टर्स भी अपनी राय, आप देखते होंगे कई सारे टीवी प्रोग्राम्स है जहां पर डॉक्टर्स बताते रहते होंगे आपको ये करना है, कुछ डिबेट्स होते हैं जैसे उसमें डॉक्टर्स का पूरा एक पैनल बैठा हुआ है, बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हैं, तो उसमें वो लोग अपनी बात रखने के लिए पैसे नहीं लेते। लेकिन अगर आपने डिजाइन कर लिया कि आपको हर हफ्ते आना है, हमारे इस शो में बैठना है और अपना मतलब बताना है कि किस तरह से इस बीमारी से बचना है, मतलब जो भी बीमारी है, जो भी एक अलग टॉपिक है उससे रिलेटेड जो डॉक्टर होगा, तो उसे पता है ना कि आप उसके बिना ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो
तब वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं वो पैसे चार्ज करते हैं और बहुत सारे गेस्ट पैसे चार्ज नहीं भी करते हैं। हाँ, लेकिन इसी तरह से सेम यही है कि बहुत सारे गेस्ट लोग बोल देते हैं कि नहीं हम आ जाएंगे आपके ऑफिस तक, और बहुत सारे लोग वहीं पर कहते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम है, तो फिर ऑफिस की कैब उन्हें लेने और उन्हें छोड़ने भी जाती है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अगर और किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए, मैं आप लोगों तक वो जानकारी वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाऊंगी। और अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए, बाय बाय।